तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्स पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहां के सोइल पर यानी मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके सैंपल्स ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन से अपने स्पेसशिप तक जाना होगा। अब वो सब साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बॉटनिस्ट भी थे उनसे कोई चीज टकराती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और तूफान में कहीं गुम हो जाते हैं। स्पेसशिप में सब साइंटिस्ट उनसे कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ना उन्हें ढूंढ पाते हैं। वो सब समझते हैं कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन उधर हम मार्स में देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा तो पेट में एक रॉड चला गया हो जिसे निकालते हुए उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो जैसे तैसे करके चलते हुए उस चैम्बर तक जाते हैं जो सब साइंटिस्ट ने अपने शेल्टर के लिए यहाँ पर लगाया था। वो वहाँ पर जाकर इस रॉड को निकालते हैं लेकिन काफी परेशान भी होते हैं कि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेंगे, ना यहाँ पर स्पेसशिप है तो क्या वो सारी जिंदगी मार्स पर ही रहेंगे, और तो तूफान की वजह से उनके पास कोई वेपन भी नहीं है। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा यानी जो अगला स्पेसशिप लैंड करेगा वो 4 साल बाद होगा, तो 4 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा है यानी इस टाइम पीरियड में जो उसके पास खाना है वो काफी नहीं है। वो मर भी सकता है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अब यहाँ पर वो प्लान्स करने लगता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें यूज करके वो और भी आलू उगाना चाहता था और शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इस प्लैनेट की सोइल पर। तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर सोइल में खेती करने लगता है ताकि वो आलुओं को उगा सके। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये था कि मार्स में पानी बहुत कम था, इवन था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं, तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन लकीली मार्क क्योंकि एक बॉटनिस्ट था तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उसे पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली ट्राई में तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं जो कि वो वहाँ से इंटेक कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में पूरे कैलकुलेशंस के बाद जब वो दोबारा ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर मिट्टी में उसने वो पौधा उगाया होता है और कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है, उसे जीने की होप मिलती है। दूसरी तरफ दुनिया में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, इवन उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और उससे मार्स की क्लिप्स को देखती है, तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि वहाँ पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था वो अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुका है और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्स ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्स पर मार्क को बचाने चले भी जाए तो हमारे पहुंचने तक वो भूख से वैसे ही मर जाएगा, और ये बात होती भी ठीक है। उधर मार्क जो कि परेशान होने की बजाय कोई तरीके ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए इसे 50 दिन चाहिए यानी 50 डेज, और 70 डेज तो इसे यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं, तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये उस जगह तक पहुँच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन होती है। फिर जमीन पर हम देखते हैं कि वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्स तक पहुंचेगा। लेकिन मार्क तो पहले ही वहां पर काफी ज्यादा आलू उगा चुका था, वो आलू लकीली काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था आखिर कब तक वो आलूओं पर जिंदा रहेगा, उसे किसी न किसी तरह तो कॉन्टेक्ट करना ही होगा ना। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कैमरा होता है। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्स की पिक्चर्स दुनिया तक भेज सकता है। मार्क वहां पर 3 बोर्ड्स भी लगाता है, दरमियान वाले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर नो लिखता है और राइट साइड पर यस लिखता है, और जब दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ मूव करते हैं, तो मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो शुक्र है इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूँ, और अब ये कोड वर्डिंग में दुनिया वालों से बात करने लगता है। वहाँ पर मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है,
तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ मैं यहाँ पर आया था वो तो अभी भी अर्थ की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं यहीं पर हूँ? तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देते हैं। जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए। वहाँ मार्स पर हम देखते हैं कि जहाँ मार्क ने आलो गाय हुई थी वहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसके पास अब जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंचता वो पहले ही भूख से मर चुका होता। तो अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में इतनी बार खाता था उसे वो बहुत कम कम करके खाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब उधर जमीन पर हम नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है, वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर जाता है, सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंच पाना था। तो सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत डिसअपॉइंट होता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके काफी सिंसियर था, अगर उसकी जान गई भी तो वो इस बात से बहुत खुश है कि उसने एंड तक इसके लिए लड़ाई की और वो फखर से गया। अब वो लोग नीचे चाइना से भी हेल्प मांगते हैं तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि इन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की तरफ कर दिया जाए और मार्क जो मार्स पर पहले से ही स्पेसशिप मौजूद है उसमें से मार्स के ऑर्बिट तक आए तो बाकी साइंटिस्ट इसे ले लेंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी जान को खतरा था और तो और उन्हें ऐसा करने में 19 महीने लग सकते थे, यानी अगर वो मार्क को लेकर वापस जमीन पर आते तो इसलिए नासा इस चीज को मना कर देती है। उधर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिजी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता, वो काफी ज्यादा ब्रेव होता है। जब नासा देखती है कि जो स्पेसशिप जमीन की तरफ वापस आ रहा था वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है तो वो काफी हैरान होती है कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर्स नहीं दिए। असल बात ये थी कि वही लड़का जिसने ये प्लान एडवाइस किया था उसी ने इन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को जाकर बचाना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और दूसरा अगर हमने कोई तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक विदिन मंथ्स पहुंच सकते हो। तो नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चाइना उनको समझाता है कि ये अच्छी बात है। जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यानी अपनी जान को रिस्क में डालते हुए अपने साथी को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले। वो उनको फूड भी पहुंचाते हैं और चाइना की हेल्प से ये लोग उसे सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स की ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो वहां से अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। तो अब वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर न फेंक देता वो इतनी बाहर इतनी जल्दी ट्रेवल न कर पाता। मार्क अब ऐसा करने लगता है, अब मार्क उस स्पेसशिप में निकल ही पड़ता है लेकिन उसे काफी सफोकेशन हो रही होती है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता तो उसे फ्लाई और हैंडल करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से बीच में वो बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता किसी से। तो सब काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। जमीन पर भी काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेके काफी वरिड थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, मार्क जिस स्पेसशिप में होता उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं हो रहा होता तो वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तो अपने साथियों से कहता है कि परेशान न हो, मैं भी हिम्मत बनाए रखा हूँ और जल्दी मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुँच जाऊंगा। तो दूसरे साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं जिसके एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम होती है तो फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। अब उधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेयर पर से होती हुई एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुँच रही होती है लेकिन वो रस्सी यहाँ पर चोटी पर जाती है। यहाँ पर मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है तो वो इनसे कहता है कि मैं स्पेसशिप में एक होल करूंगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है
जिससे उसके स्पेस सूट पे हवा जाने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है, और फाइनली उसे फीमेल कमांडर तक पहुंच ही जाता है। वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी जान बच चुकी थी और वो रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन तभी वहां पर कोई मूवमेंट होती है, मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन जल्दी वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है जिससे मार्क पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम देखते हैं कि वो सब फाइनली दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को किस तरह से बचा कर रखना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।